फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद। फ्रेंड्स, आज माई बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सोनी टीवी रिपेयर के लिए आई है। इसके लिए ये प्रॉब्लम क्या है हम आज मालूम करेंगे। फर्स्ट एक बार ऑन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो पिक्चर ऐसे आता है, देखो इसमें रेड ब्लू आ रहा है, एक कलर ड्रॉप हो रहा है। एक कलर कौन सा स्टेज में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा आउटपुट वीडियो आउटपुट में किधर प्रॉब्लम है, क्या है, आज हम स्टेप बाय स्टेप आज इसके बारे में मालूम करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो देखो। मेरा वीडियो का नाम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, दोस्त लोग को सेंड करो। फ्रेंड्स, अब हम टॉपिक पे चलेंगे। अब इसे ओपन करके क्या प्रॉब्लम है हम चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी बंद करता हूँ। ये जो आउटपुट है ये इस पर 8 वोल्ट आता है, बाद में 8 वोल्ट के बाद रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, वो हम चेक करेंगे। पहले ऑन करके उसको देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, ऑन किए। अब इसमें देखो ये वीडियो आउटपुट है, इसमें ये रेड है 2.2, ग्रीन 2.4, ओके, रेड 2.4, ये सब करेक्ट आ रहे हैं सप्लाई। तो मतलब ये वायर तो ठीक है, इधर से जो सप्लाई आ रहा है। प्रॉब्लम किधर है, इधर जो ऐसी है ये आके वीडियो आउटपुट है, आउटपुट ऐसी, ये वीडियो ऐसी है इस पर IDFC में जो सप्लाई 199 सप्लाई आएगा वो चेक करेंगे। पहले तो 199 198 199 सप्लाई करता है, इनपुट सप्लाई ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, ये जो IC है ये IC हम चेंज करेंगे। दोस्तों ये इसमें कुछ पेस्ट डाल के फिक्स कर दिया है, इसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। इससे भी अच्छा है हम बेस को छोड़ के ये बोर्ड को, सर्किट PCB को, इसको अलग से निकाल के हम ऐसे चेंज करके बाद में देखेंगे, क्योंकि वोल्टेज इधर डिफरेंट आ रहा है। कलर तीन कलर में 2.4 आना चाहिए, इसमें ग्रीन में 2.4 आ रहा है, लेकिन रेड ब्लू में 2.4 नहीं 0.9 ऐसा आ रहा है। इसकी वजह से ये तीनों में अगर हो सकता IC में डिफरेंट हो, डिफिक्ट हो। IC चेंज करने के बाद में इस पर ग्रिड शॉर्ट का भी चांसेस है। पहले हम IC चेंज करके देखेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा तो ओके, क्योंकि वोल्टेज हमारा डिफरेंट आ रहा है। हो सकता है IC में भी प्रॉब्लम, ट्रांसिस्टर सिस्टम होता, हम एक एक सेट चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन AC इनपुट आके 199 वोल्ट, आउटपुट में इसको इधर से 135-140 तक आता है। लेकिन जो इनपुट जो IC से आउटपुट होता है नीचे, वो IC सिस्टम से इधर आके इनपुट होता है, आउटपुट आके इधर इनपुट होता है ना, इसमें 2.4 आना चाहिए। एक ही में ग्रीन में आ रही 2.4, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं,
जो वोल्टेज दो में नहीं आ रहे, ये तो इसका मतलब वो शॉर्ट को हो सकता है आईसी में प्रॉब्लम, पहले आईसी को चेंज करके बाद में देखने को ओके होगा तो हुआ, नहीं तो हम उसको चार्ज करना पड़ेगा, ये रिमूव करना पड़ेगा, इसका अंदर जो शॉर्टेज है ना ग्रिड कैथोड, ये ग्रिड इससे फिलामेंट धंधे के, वो दूसरा सेशन है, वो हम बाद में दिखाएंगे। अब फॉल्ट हमें कन्फर्म करने के बाद करेंगे, अभी ये कन्फर्म हुआ है, इसको ओके करने के बाद देखें यह ठीक होएगा क्या नहीं, देखने के बाद हमें करेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं, रिमूव करने का बेस ऐसा चलाने का, इसको कुछ हिलाने का, क्योंकि उसको टच करके बाद में मुसीबत में फंसना नहीं, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया पेस्ट डाल के, ये बेस को जो बेस नेक का है ना, नेक का बेस जो है बेस को, ये पीसीबी का है ना, ये जो नेक को, ये नेक है ना, ये चीज को इसको फिक्स कर दिया पेस्ट डाल के, इसकी वजह से हम अभी इसे उखाड़ने के लिए देखेगा तो फट भी सकता, चिट्यूब प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से हमको इसका लफड़ा में नहीं जाने का, हम पहले इसको रिमूव कर देंगे। या फ्रेंड्स हो गया निकाल दिए, एसी का नंबर है 3DA 6108, इसको हम ये निकालेंगे नया, सेम है, धीरे धीरे वापस सॉल्डिंग कर देंगे। अच्छा ठीक से बिठा देने का, इसको थोड़ा पेस्ट लगा के पेस्ट लगाने से थोड़ा ठीक से साड़ी मजबूत होएगी, ऐसे ही हम ब्लेड से लगा दिएगा, कभी ना कभी उसको ड्राइव होता है, ड्राइव होके तो उसका कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। दोस्तों ये सोनी टीवी को थोड़ा केयरफुल से करना, सब टीवी के जैसा नहीं, सोनी का सबको सिस्टम स्पेशली है, लेकिन सब टीवी से भी आसान भी है उतना मुश्किल भी है। ठीक होता तो सही हो जाएगा, ये ऐसे से 50-50 चांसेस है सही हो जाएगा, अगर नहीं तो इसका जो बेस है ना
धीरे धीरे हम इसको निकालने की कोशिश करके बेस चेंज करके देखेगा, ठीक हो जाएगा। नहीं तो हम इसको शॉर्टेज रिमूव करने का, या तो ग्रिड्स का, उसका सिस्टम में दोबारा जरूरत पड़ेगा तो दोबारा दूसरा वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक हो गए। अभी इसको चालू करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी ऑन करके देख लेंगे इसका क्या हाल है। वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, अब चालू करके देखेंगे। सेम दोस्त लोगों, फॉल्ट तो ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब एसी ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सेम टू सेम डिफरेंट ऐसा ही है। देखो देखो, ये है ब्लू, सेम है, यहाँ के ग्रीन। देखो ग्रीन तो हमको 2.5 आ रहा है, 2.4। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है। ग्रीन पे इतना डिफरेंट नहीं आता, इसमें टच करेगा तो थोड़ा, देखो पिक्चर सेम टू सेम है। देखो यही है, बस ब्लू रेड आ रहा है, बस ग्रीन नहीं है। ओके दोस्तों, इसका बेस भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमको शॉर्टेज है ना, वोल्टेज ब्रेक हो रहा है ना, इसमें वोल्टेज जो हमको चाहिए 2.4 नहीं आता है, ये वो तो नहीं है, 2.4 नहीं है। हम इसको बेस को, ये बोर्ड निकाल के इसको बेस को धीरे धीरे निकाल के बाद में उसके बाद चार्ज करना है, तो ऐसा ही चार्ज पहले चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने के बाद ठीक हो जाएगा, 90% ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो दोबारा वीडियो निकाल के बेस चेक, बेस डाल के बाद में पिक्चर ओके होने के बाद हम बताएंगे। दूसरा त्रिगुण कुछ नहीं है इसमें, इसमें सिंपल है, बस ये बेस या आईसी हम चेंज कर दिया तो सेम मोल्ड है। उसके बाद अभी हम बेस चेंज करना है, नहीं बेस चेंज करने से मुश्किल है तो पहला ये शार्ट अच्छा रिमूव करना है, शार्ट रिमूव करना है, ये तो पता चलता है ना, शार्ट किसी भी हाल में हम शार्ट रिमूव करना है, क्योंकि ये रेड ब्लू ये दो को, ये ग्रीन सेपरेट है, ये दो आपके टच है, कौन सा ग्रीन भी ब्लू, ग्रीन ब्लू रेड ब्लू दो भी शार्ट है, इसकी वजह से वो प्रेजेंट हो रहे हैं, ये ग्रीन वाला है ना अब इसमें मिक्स नहीं हो रहा है, इसकी वजह से उसमें शॉर्ट रिमूव करना है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अब दोबारा वीडियो में हम मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर यू।
all of you. Thank you very much. Bye.